जो तकलीफ रहा सफर कैसे आप सफर आपने कैसे बिताया बताया केना केना आई घर से बोले सर कंपनी में काम करे रहो मसाला सीमेंट मिला के लाख लाख डॉट में ले हमें नहीं जाना रहो कि लाख डॉट हमार मतलब का है जी 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 बोलिए ना हिम्मत से बोलिए बोलिए तो मस्त चल दिए तो दिल्ली में जो एक नदी है ना उस जगह जो है उससे पहले 5,500 रुपया था सो छीन ली और उसके बाद जो है ना और नदी था वो नदी के उसी पार मेरे को 2 डंडा मारा भी बोला मादर चलो यहाँ जाता है कि नहीं मैं बोला नहीं जाएगा पीछे हट के बैठिए जो वीडियो अति करते हैं जैसे शादी ब्याह में फोटो लेते हैं वैसे वाले लेके और उसके बाद उनके पास आए वो हम सारे दुख बतलाए हमारे बेटा डेट कर गया हम इस जगह से नहीं घूरेंगे अगर मरना होगा तो इसी जगह मर जाएंगे हम घूर नहीं सकते हैं थोड़ा देर दो तीन तो हमने तस्वीर आपका चेहरा हम बनाए हैं आपका फोटो हम अपने प्रोफाइल में ट्विटर में फेसबुक पे लगाए कि यही चेहरा है गरीब का सरकार देखो जी बात मदद करो हम लोग लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं आप लोगों के अधिकार के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी बात और आप चिंता मत कीजिए अभी आपको 1,00,000 रुपए का पार्टी जो है सहयोग दी है जी बात आपको मदद पहुँचा जी सर जी सर अभी मिलेगा 1,00,000 मान्य आपके दूत बनकर जो मान्य अनिरुद्ध बाबू आए हैं विधायक जी वो 1,00,000 का देंगे मदद पार्टी की ओर से जी 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 सामने 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 जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हम आपको पूरा काम दिलाएंगे आप चिंता मत कीजिए आदरणीय लालू जी देश में सारा काम हो रहा है लालू जी कहे कि गरीब का सेवा करो जी बाबू गरीब का सो रहा है उसमें हम लोग सब लोग उनके दिए हुए निर्देश में आपके सेवा में लगे हैं और आप जैसे लाखों और भाई हैं मजदूर पुकार पंडित बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर विधानसभा अंतर्गत खोदावनपुर प्रखंड बरियारपुर पूर्वी पंचायत वार्ड संख्या 5 के निवासी हैं। वो बेचारे दिल्ली में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन हो गया वो घर आना चाह रहे थे। जब पैदल उन्होंने चला तो यूपी के बॉर्डर पर बिहार के बॉर्डर पर बिहार पुलिस यूपी पुलिस रोक दिया। उस बेचारा का एक ही सिंगल बेटा था वो मर गया। और ये गरीबों की आवाज़ शोषित पीड़ितों दलितों का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का उत्तराधिकारी बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने हमें फ़ोन करके कहा मोहित जी उस पीड़ित परिवार से आपको मिलना है मैं अपने प्रतिनिधित्व को भेज रहा हूं। उन्होंने अनिरुद्ध प्रसाद यादव पटना बख्तियारपुर के पूर्व विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी को भेजे और उस पीड़ित परिवार को पार्टी को से 1,00,000 रुपया अनुदान दिया गया है और उस परिवार को विरोधी दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी की ओर से आश्वासन दिया गया है इसी प्रकार की कठिनाई हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर निजी फैक्ट्री में अभी काम करना चाहते हैं बेगूसराय या बिहार के कोई भी ज़िले में तो मैं आपको काम भी दिलवाऊंगा। मैं सरकार में नहीं हूं ये लेकर सरकारी नौकरी का आश्वासन नहीं दूंगा।